अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इमदादी कैंप लगा हुआ है अल खिदमत की जानिब से, सैलाब रिलीफ फंड में अतियात दीजिए। जमात इस्लामी की तरफ से अल खिदमत पूरे पाकिस्तान में जो है ना, इस वक्त जो सैलाब की सूरत हाल है वो सबके सामने है, और कई तंजीमें, कई लोग अपनी मदद आपके तहत जो है ना यहाँ पर स्टॉल लगाए हुए हैं। कई लोगों ने एक स्टॉल जमात इस्लामी का भी है, आर्मी के भी कैंप लगे हुए हैं, और कई दूसरी तंजीमों के जो है ना कैंप लगे हुए हैं। लेकिन जब आप किसी को कोई अतिया करें तो देखभाल कर करें, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले अल खिदमत के चार बंदे जो है ना उसका नाम यूज़ करते हुए पकड़े गए थे ना। अच्छा, वो जो पकड़े गए थे वो अल खिदमत के नाम को बदनाम कर रहे थे, वो अपनी भी बदनामी कर रहे थे, पाकिस्तान की भी बदनामी कर रहे थे। और एक तो सैलाब जदगान जो है ना डूबे हुए हैं, उनकी जो है ना मुफलसी से खेल रहे थे। तो आप लोग ऐसे लोगों से होशियार रहें, जो असल जो लोग बैठे हुए हैं, जैसे कि जमात इस्लामी हो गया, अल खिदमत हो गया, सैलानी हो गया, आर्मी के कैंप हो गए, लबैक वाले हो गए, जिसको आप मुनासिब समझें आप उनको राशन दें। इधर मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने और अल्लाह ताला के बंदों ने यहाँ पर काफ़ी खिदमत की है, और यहाँ पर देगे भी पक रही है। मैं अभी वहाँ देग वाली जगह पे भी लेके जाता हूँ। यहाँ पर लोग जोक दर जोक जो है ना सामान दे रहे हैं, और इस उम्मीद के साथ दे रहे हैं कि ये जो है ना उनको जो रिलीफ में फंसे हुए हैं, जो सैलाब में, ये उन तक पहुँचेगा, और 100% पहुँचेगा, क्योंकि ये एक नाम है जमात इस्लामी का। तो आगे चल कर देखते हैं, आगे भी काफ़ी लगे हुए सामान। ये सैलाब जदगान के लिए कैंप भी हैं, कैंप है ना, ये कैंप भी हैं उनके लिए। जितना आप दे सकेंगे उतना ही जो है ना आपको सवाब मिलेगा। ये देखें माशाल्लाह से जो जितना दे रहा है, ये सब जो है ना सैलाब जदगान के पास जा रहा है। ये सारी थैलियां पैक हो रही हैं, काफ़ी लोग फंसे हुए हैं, उनकी मदद के लिए अल खिदमत यहाँ पर मौजूद है माशाल्लाह से। जिसका जो दिल समझ आ रहा है वो दे रहा है, अपनी खुशी से जो देना चाहें वो आप दे सकते हैं। कोई जूस के डब्बे दे रहा है, कोई बोतलें दे रहा है, जितना आपका दिल करता है आप दें। क्यों? इसलिए कि वो हमारे भाई हैं जो सैलाब में फंसे हुए हैं। यहाँ पर ट्रक के ट्रक जो है ना भरते हैं, और फिर ये लोग सैलाब जदगान की मदद के लिए उन इलाकों में जाते हैं जहाँ पर सैलाब से पूरा इलाका मुतासिर हुआ है। पठान के घर में पठान। ये आप लोगों का दिया हुआ अतिया, ये दुनिया में जो दिया हुआ अतिया है, जो दुनिया में आप लोग नेकी करते हो, उस नेकी का सिला तो आपको आखिरत में मिलेगा। क्या बोल रहे ट्रक वाले? तो ये देखें, ये आप लोग जो है ना हिम्मत कर रहे हैं, जिसकी वजह से अल खिदमत वाले सैलाब जदगान के लिए सामान की तरसील ट्रकों के ज़रिए कर रहे हैं। तो जो ओरिजिनल बंदे हैं ये उन तक ही माल जाता है। Thank you.
अच्छा दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि वहाँ पर बड़े मर्द हजरात तो हैं, दूसरा कोई डालेगा उससे, वहाँ पर माजूर लोग भी हैं, मजूरों के अलावा हवाले से भी आप जो है ना कुछ उनके लिए जैसे बैसाखियाँ हो गई या कोई ऐसी व्हील चेयर हो गई या कोई हो गई दूसरी जो जो मजदूरों का काम आए वो, और दूसरा सबसे अहम बात ये कि वहाँ पे शीर खुआर बच्चे भी हैं, 1 साल के बच्चे भी हैं, 2 साल के बच्चे भी हैं। उन बच्चों के हवाले से आपने जो जैसे आप अपने बच्चों के लिए चीज़ें इस्तेमाल करते हैं ना जैसे दूध या कोई ऐसी चीज़, तो उन बच्चों के लिए जो है ना आप यहाँ पर दे सकते हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि आप भी जो है ना दिल खोल कर हिस्सा लें इस इमदादी काम में, आप लोगों का हिस्सा किसी गरीब की ज़िंदगी बच सकती है। खाने पीने की चीज़ें, जूस, कोई ऐसी चीज़ जो आप दे सकते हैं, कैश दे सकते हैं, कोई चीज़ ख़रीद के दे सकते हैं, कोई खेमा लेके दे सकते हैं, जो आपको पसंद हो वो आप दे सकते हैं। अभी मैंने पता किया है उनसे जो साहब बैठे हुए थे यहाँ पे नुमाइंदे और ख़िदमत के, तो मैंने उनसे पूछा कि ये खाना जो है ना जो तैयार हो रहा है ये इतनी दूर तो जा नहीं सकता, तो उन्होंने बोला कि जो स्कूल के बच्चे हैं जो जो करीबी इलाके में जो आए हुए हैं, जैसे स्कूल के बच्चे हैं स्कूलों के अंदर जो है ना वो जो खाना देते हैं ये उनके लिए। यहाँ से चाहते हैं आपसे इजाज़त, उम्मीद है कि आप लोग सैलाब ज़दगान की मदद के लिए आगे आएंगे। आ तो रहे हैं, बहुत सारे आ रहे हैं, मुझे पता है बहुत सारे आ रहे हैं सैलाब ज़दगान की मदद के लिए, बहुत सारे ऐसे नाम आ रहे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता, कि कुछ लोग तो बताते ही नहीं है कि कौन है कौन नहीं, वो सैलाब का सामान दे जाते हैं और मदद कर जाते हैं। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।